तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा जो कि बहुत झटपट बन जाए और सभी को अच्छा भी लगे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कुसुम की रसोई पर। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं इस बढ़िया नाश्ते को। तो एक बाउल के अंदर हम ले लेंगे एक कप बेसन। इसको ऐड करने के बाद हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और उसी के साथ आपको डाल देना है आधी चम्मची खाने वाला सोडा। इससे हमारा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा एंड फिर सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ज़रूरत अनुसार पानी और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। एंड इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब तक आपको इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना मिल जाए तब तक आप इसको चलाते रहिए। और हाँ दोस्तों, इस रेसिपी को पूरे आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसी बैटर का इस्तेमाल करके हम पूरा नाश्ता बनाने वाले हैं। एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, हमारा पूरा बैटर बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ में कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आ गई है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक दूसरा बाउल और उसके अंदर हम डालेंगे बहुत सारी वेजिटेबल। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है स्वीट कॉर्न, अनियन, कैरेट, टमाटो और साथ ही धनिया पत्ता। और आप चाहे तो यहाँ पे जितनी चाहे उतनी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको बाउल में डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच मेयोनीज। इसके बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे आधी चम्मच नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ऐसा करने से हमारे अंदर की स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे इस तरह की स्टफिंग बनाकर आप इसको ब्रेड में डाल के सैंडविचेस भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और अब बनाते हैं अपना सॉस। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कटोरी और इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच मेयोनीज और फिर इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच टोमेटो केचप और उसके साथ डाल देंगे आधी चम्मच सेजवान चटनी। फिर इन तीनों सॉसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और देखिए हमारी बेस के लिए हमारी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। एंड साथ ही में इस तरह की सॉस बनाकर आप पिज्ज़ा या बर्गर के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी सारी चीज़ें लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब बनाना शुरू कर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और उसको हम रख देंगे धीमी आंच पर और उसके अंदर हम डालेंगे दो छोटी चम्मच तेल। फिर इस तेल को ब्रश की मदद से पूरी तरह से फैला लेंगे। फिर जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हमने जो बेसन का बैटर बना के तैयार किया था उसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसको धीरे धीरे अपने हल्के हाथों से उसको फैलाते जाएंगे। एंड इसको फैलाने के बाद हमें इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। एंड वैसे दोस्तों, ये मेरी खुद की रेसिपी है, तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड फिर धीरे धीरे करके जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो उसके आजू बाजू आपको थोड़ा सा तेल डाल देना है। एंड फिर जो हमने सॉस प्रिपेयर की थी आपको उसको उसके ऊपर फैला देना है और इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए ताकि कोई भी जगह छूटने ना पाए। आफ्टर दैट हमने जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर बना कर तैयार किया था उसको हम इसके मिडल में अच्छे से फैला लेंगे। और इसे हमें पूरी तरह से नहीं फैलाना है, सिर्फ मिडल सेक्शन में ही रखना है। एंड इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और साथ में ही काली मिर्च। एंड वैसे दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि इस नाश्ते को क्या बोलते हैं क्योंकि ये दिखता तो टाकोस की तरह है बट इसका स्वाद तो एकदम पिज्ज़ा की तरह होता है। एंड लास्टली इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रेटेड चीज़, जिससे तो इसका स्वाद ही बढ़ जाएगा। एंड फिर इसको हम बिल्कुल धीमी आँच पर छोड़ देंगे पकने के लिए और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी चीज़ भी मेल्ट होने लगी है और साथ ही में हमने जो नीचे बेसन का चीला बनाया था वो भी धीरे धीरे पकने लगा है। एंड फिर 5 मिनट बाद आप इसको चेक कर सकते हैं और ये अच्छे से पक चुका होगा। इसके बाद हम इसको ऐसे हाफ में फोल्ड करके बाहर निकाल लेंगे। एंड बाय द वे दोस्तों, आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है टाकोस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें ही बहुत पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है, जहाँ पर आपको उन दोनों चीज़ों का स्वाद एक ही चीज़ में मिल जाएगा। फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस करके हम एक दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। शानदार नाश्ता बनकर एकदम तैयार हो गया है। आप इसे केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।
और यकीन मानिए मेरा ये नाश्ता एकदम बाहर से क्रिस्पी है और साथ ही साथ अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी है। और जितना ये दिखने में बढ़िया लग रहा है उतना ही खाने में भी। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।